आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं चाणक्य की नीति आपको समझा ही रहा हूं, समझाऊंगा ही पूरा। इसका कोर्स जो हमने बनाया है 300 रुपये का, अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल विजडम डार्क साइकोलॉजी आपके लिए मददगार साबित होंगी, जो कि होंगी ही, क्योंकि 500-600 वर्सेस में बताऊंगा, तो 300 रुपये का ये कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में वेबसाइट और ऐप का लिंक दिया है। तो बात इतनी सी है कि चाणक्य बताते हैं कि दुखों का असली रीज़न क्या है। स्पिरिचुअल विजडम ये जो चैप्टर है, वैसे तो इसमें कोई वो नहीं है, मतलब डिस्टिंक्शन नहीं, लेकिन मैंने पूरा पढ़ के इसको डिस्टिंक्ट किया है, अलग अलग तरीके से इसको बनाया है कि क्या कौन सा वर्स किस में फिट बैठ रहा है। तो स्पिरिचुअल विजडम जो है, ये चाणक्य बताते हैं, इसमें जो वर्स है 2.18, ये बताते हैं चाणक्य कि देखिए चार चीजें हैं, चार चीजें, वेल्थ, लैंड, स्पाउस एंड फ्रेंड्स, ये आएंगे जाएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी जो है वो एक ही बार मिलती है। कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको ये मिलेगी नहीं मिलेगी। अब ये इतनी बड़ी बात है, चार लाइंस का जो वर्स है, इसमें चाणक्य ने पूरी जिंदगी समझा दी है। कैसे? चाणक्य बताते हैं कि ये चार ही चीज है जिससे इंसान हद से ज्यादा अटैच हो जाता है, या तो वो जमीन से हो जाएगा, जमीन बहुत ज्यादा, जमीन को लेकर झगड़े, जमीन को लेकर मर्डर। कितने मैं क्राइम अफेयर्स पे लेक्चर्स करता हूं, डिस्क्रिप्शन में चैनल का भी लिंक दिया है, कि जमीन को लेकर मां को मार दिया, जमीन को लेकर उसको मार दिया। पूरी दुनिया में झगड़े जमीन को लेकर ही हो रहे। गाजा में इजराइल घुसा हुआ है जमीन के लिए, रशिया यूक्रेन लड़ रहे जमीन के लिए। जमीन एक ऐसी चीज है जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है आज के समय में, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, सोने से भी ज्यादा वैल्यूएबल जमीन है, क्योंकि जमीन कम होती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जमीन से अगर आप हद से ज्यादा अटैच हैं तो आप परेशान रहोगे। जब थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जल गई थी, क्या था, क्या नजारा है। कितने लोग उस माइंडसेट के होते हैं, क्या आप ऐसा माइंडसेट डेवलप कर सकते हो? तो जमीन से कहते हैं कि बिल्कुल दूर रहो, उससे ज्यादा अटैचमेंट मत रखो, वो आएगी जाएगी, ठीक है। दूसरा ये बताते हैं वेल्थ, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअल विजडम दे रहे। स्पिरिचुअल विजडम में, इसमें मैं 60-65 वर्सेस कवर करूंगा, स्पिरिचुअल विजडम में बताते हैं कि वेल्थ एक ऐसी चीज है, अगर आप हद से ज्यादा पैसे से, पैसा भी आता है जाता है, ये कभी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। आज आप राजा हो, कल रंक हो जाओगे, है ना, ये बिल्कुल ये गारंटीड है। अगर आप पैसे को सोच समझ के खर्च नहीं करते, लक्ष्मी उन्हीं के पास रहती है जो सोच समझ के खर्च करते हैं, तो पैसा आएगा जाएगा, वेल्थ आएगी जाएगी। लेकिन हम लोग इसी से ही अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी ही से अटैच हो जाती है, और यही तो माया है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। ये कहना बहुत आसान है, हमारे 100 रुपये भी एक्स्ट्रा चले जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन यही लाइफ है। भगवान ने आपको इतना दे दिया कि आप 100 रुपये तो कमा ले रहे हो, क्या पता आप ये भी ना कमा पाते। तो ये आएगा जाएगा, इसे दूर रहो, दूर इन द सेंस कि खूब पैसा कमाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इससे अटैच मत हो। हमेशा ये माइंड में रखो कि कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। आज प्रॉफिट है तो कल लॉस भी हो सकता है। जब प्रॉफिट में हम इतना खुश थे तो लॉस में क्यों, मतलब जब प्रॉफिट में हमको लग रहा था तो लॉस भी, आप उसके लिए तैयार रहिए, है ना। तीसरा यहां पे बोलते हैं फ्रेंड्स, दोस्त। कई लोग अपने दोस्तों को नहीं छोड़ते हैं। चाणक्य ये भी अपने एक वर्ष में बताते हैं कि आप कंफर्ट लेवल से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो कई बार कंफर्ट लेवल से हम बाहर नहीं निकलते, ये कंफर्ट लेवल देते हैं हमारे दोस्त, क्या यार ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक दोस्तों के साथ रहते हैं लगातार, ये भी डेंजरस है। आपके दोस्त भी आज है कल नहीं है, ये टेम्परेरी है, 2-3 हमेशा परमानेंट रहेंगे। और चौथा यहां पे बोलते हैं स्पाउस, यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बीवी या पति, जो भी है, है ना, आपका बॉयफ्रेंड, जो आपका लव इंटरेस्ट है, जो आपका ऑपोजिट सेक्स है, वो भी आएगा जाएगा। अब यही चार चीजें हैं, ठीक है। इस आप देख लीजिए कि इससे इतर प्रॉब्लम है क्या, नहीं होगी। या तो आपको पैसा चाहिए, या तो आपको जमीन चाहिए मतलब घर चाहिए, या तो आपको प्यार चाहिए, नहीं तो दोस्त, इन्हीं चारों से ही हम अटैच रहे, यही चार हमारी जिंदगी है। जब मैं फ्रेंड्स की बात करता हूं तो फैमिली भी आ जाती है,
और स्पाउस वाला तो रिलेशन सबसे ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि 60-70% लोग इससे पीड़ित हैं। ये भी आएंगे जाएंगे, ये भी टेम्पररी नहीं है। 3 साल 4 साल 20 साल का रिलेशन आपका खत्म हो सकता है। एक अभी मैंने केस पढ़ा था, 75 साल की उम्र में डाइवोर्स हुआ, है ना। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। वो क्या चीज है जो कॉन्स्टेंट है? वो है आपकी बर्थ और आपकी डेथ। उसको कोई वो टेम्पररी, और इसके बीच में आती है आपकी जिंदगी। तो चाणक्य बताते हैं कि अपनी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। याद रखो ये एक चक्र है, ये तुम, ये धरती एक यूनिवर्सिटी है, और अगर तुमने यहां पे सीखने का मौका खो दिया तो तुम गए। अब सीखना है आपको स्पिरिचुअल, आपको अपने आप को, इसीलिए स्पिरिचुअल विजडम इज इंपॉर्टेंट। हम इन गहराइयों में खो के, दुनिया में फंस के चीजों को सीखते नहीं। अच्छा, चाणक्य डिटैचमेंट के बिल्कुल खिलाफ है, कहते हैं ना इस दुनिया में जो जितना ज्यादा सेल्फ रियलाइज्ड होगा वो उतना ज्यादा लोगों की मदद करेगा। बुद्ध ने, आज बुद्धिज्म को पूरी दुनिया फॉलो करती है। अब अगर बुद्ध बोल लेते कि नहीं, हालांकि मेडिटेशन के बाद उनको ख्याल आया था कि मुझे सब ज्ञान हो गया है, मैं दूसरों को बांटूंगा ही नहीं। इस दुनिया में जितने भी महान संत हुए उन्होंने दूसरों की मदद की है, उन्होंने अपनी जो सेवा है वो सबको दी हुई है, याद रखिएगा। तो बताते हैं कि आप गृहस्थ भी रहिए, सब कुछ रहिए, सेल्फ रियलाइज्ड रहिए, और लोगों की सर्विस चाणक्य बनाते हैं, सबसे बड़ी चीज है। तो आपकी जो जिंदगी है, आप अपनी जिंदगी इन चार चीजों में ना व्यर्थ करें। आप व्यर्थ का मतलब है इससे ज्यादा अटैच ना हो। अब ये कैसे पता लगाएं? अगर मान लीजिए कि आपका ब्रेकअप हो रहा है, अगर मान लीजिए आपके दोस्त आपसे छूट रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आपको लॉस हुआ है या कोई जमीन का केस फंस गया है, कोई बात नहीं, लेट इट बी। ये लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इतने काबिल हो गए कि आपको चारों चीजें मिल रही हैं, 2-3-4 दिन 6 दिन दुख मनाइए, फिर उसके बाद नॉर्मल जिंदगी। एक्सपीरियंस गेन करिए, अच्छी चीजें पढ़िए, दूसरों की सर्विस करिए, है ना। आपका पर्पस यही होना चाहिए कि मैं अपने आप को वेल एस्टैब्लिश करके दूसरों के लिए, फिर जब मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तो मैं दूसरों के लिए काम करूंगा, तभी जो है आप सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। तो यही बताते हैं चाणक्य कि स्पिरिचुअल विजडम के लिए आपको अपनी जिंदगी को समझना पड़ेगा, और सारी दुखों का कारण यही चार चीजें होती है, ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत। तो इनको हटके जब आप अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देने देते हैं, अपने ऊपर ध्यान, कितनी बढ़िया चीज है ना। कि मान लीजिए कि कोई इंसान आप किसे इतना परेशान कर रहा है, किसी इंसान से आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, या चलिए स्पाउस की एक कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप, आप मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड 3 साल से या बॉयफ्रेंड 3 साल से आपको बहुत परेशान कर रहा है। अब 3 साल पहले क्या आप इतना परेशान थे? नहीं थे, क्योंकि वो इंसान आपकी जिंदगी में आया ही नहीं था। अगर आप वो प्रॉब्लम को हटा दो तो क्या आप एक सोच के देखो तो क्या आप इतना परेशान रहोगे? नहीं रहोगे। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, जो भी जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपने उसको जिंदगी से अपने हटा दिया, क्योंकि याद रखिए वही चाणक्य बताते कि ये चार चीजें टेम्परेरी हैं लेकिन आपकी जिंदगी परमानेंट है। अब इन्हीं चार चीजों की वजह से आपका शरीर, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मेंटल पीस, कंटेंटमेंट, बार बार स्पिरिचुअल विजडम में चाणक्य बोलते हैं कि कंटेंटमेंट इज द की। आपको सेटिस्फाइड होना ही पड़ेगा, वरना देयर इज नो एंड। तो यही, इसी तरीके के बहुत सारे वर्सेस जो चाणक्य ने स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल विजडम के लिए दिए, वो मैं आपको बताऊंगा। आप ये कोर्स को जरूर अवेल करिए। तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आप ये मान के लीजिए 600-700 के करीब, 500 से ऊपर के करीब वर्सेस है जो मैं आपको बताऊंगा, चाणक्य नीति पूरी समझा दूंगा आपको। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।